सो गाइज, अभी हम क्या करने वाले हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने टाइटल तो पढ़ ही दी है। तो फिर पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और फिर लिखना है माइनक्राफ्ट मोड मास्टर या फिर मास्टर मोड माइनक्राफ्ट, जैसा आपको ठीक लगे। एंड देन ये आप देख सकते हो थर्ड वन, नहीं सॉरी सेकेंड वन, उस पर आपको क्लिक करना है एंड यू हैव टू इंस्टॉल दैट। एंड मैं पहले ही बता दूँ, इसमें आपको कोई पैसे नहीं लगते हैं, किसी भी चीज़ के लिए पैसे नहीं लगते हैं। तो आपको यू नो कॉइन्स का ऑप्शन आता है, बट आपको एड्स देख देख के एक गेट कॉइन का ऑप्शन होता है, उससे आप ले सकते हो। एंड आपको जो चाहिए वो मॉड ले सकते हो, फ्री के भी होते हैं। तो फिलहाल अभी मैं आपको दिखाऊंगी शेडर्स कैसे करते हैं, बिकॉज शेडर्स में माइनक्राफ्ट की दुनिया बहुत खूबसूरत लगती है। तो अभी हम ओपन करेंगे एंड देन वेट अ मिनट, यहाँ पे आपको एज डालनी है आपकी। पर हाँ, अगर आप 18 से छोटे हो तो और आप माइनक्राफ्ट खेलते हो तो इसमें कोई यू नो प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा यू नो ऊपर नीचे एज कर दो चलेगा। तो देखो ये है वो गेट कॉइन का ऑप्शन, और आपको शेडर्स के लिए टेक्सचर्स में जाना है, आपको टेक्सचर्स क्लिक करना है। और यहाँ पे और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, एक बार आप डाउनलोड कर लो फिर आप देख सकते हो। पर अभी के लिए फॉर शेडर्स आपको टेक्सचर्स में जाना है एंड देन आपको ढूंढते बैठना है वेर इज शेडर, मिल नहीं रहा है। चलो स्क्रॉल करते जाओ 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 जाओ, ये मुझे बोर कर रहा है अभी। अबे कितना टाइम, मिल जा। अबे मैं भी क्या बुद्धू गाइज, आप सीधा, ये तो गलती से बटन दबे गया, बट आप सीधा सर्च कर सकते हो शेडर्स। और मैं हैप्टिक शेडर लेने वाली हूँ, वो शेडर मैंने पर्सनली ट्राई किया है, वो मुझे पसंद है, यू नो मुझे उसको पसंद है। बट और भी काफ़ी शेडर्स है जैसा कि आप देख सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है, बस जाना है और शेडर पे क्लिक करना है या फिर कुछ भी मॉड या जो भी आप कर रहे हो। एंड आपको यार दिखेगी, यू नो थोड़ा सहन कर लो एंड थोड़ा यू नो कुछ पाने के लिए ऐड देखना पड़ता है इन दिस गेम। सो आपको और एक बार ऐड देखनी है वॉटर ऐड के ऑप्शन में, या फिर उधर एग्जैक्ट क्या लिखा है वो मुझे अभी मैंने एग्जैक्ट पढ़ा नहीं, और बट हाँ उधर आपको प्रेस करना है और वॉटर ऐड करके एक ऑप्शन है तो उसको क्लिक करना है, वो अभी जो मैंने क्लिक किया। एंड फिर से ऐड देखना है एंड उसके बाद एक मिनट यार ऐड ख़त्म होने दो। और भगवान कभी ऐड ख़त्म होगी, और फिर इसको डाउनलोड करना है एंड अलाउ करना है। ये क्या हो रहा है, ये भाई चल क्या मेरा क्या हो गया, मैंने गलती से माइनक्राफ्ट डिलीट कर दिया था। ओके सो काफ़ी देर बाद हमारा शेडर फाइनली हो गया है डाउनलोड, और फिर अभी हमें ओपन करना है माइनक्राफ्ट, या फिर वो ऑप्शन है ओपन उसको ही क्लिक कर देना। एक मिनट मैं स्क्रीन सीधी कर देती हूँ, रुको। सो अभी मेरा हो गया है ओपन, एनर्जी डाउन है, ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ रात को। सीधा हो तो गाइस अलाउ कर दो, अलाउ साइन अप करना है, मैं कर दूँगी बाद में। और अभी ये कुछ ऑफर्स चल रहे हैं जो मैं अभी नहीं देख रही, कि अभी हमें फोकस करना है शेडर्स पे। सो अभी ये लोडिंग हो रहा है और फिर से वही स्किन पैक का आ गया जो मेरा खा रहा है दिमाग। एंड यार हाँ ये देखो इम्पोर्ट स्टार्टेड, मतलब अभी वो शेडर का इम्पोर्ट स्टार्टेड हो गया एंड सक्सेसफुली इम्पोर्ट भी हो गया है हैप्टिक शेडर। सो अभी आपको करना है क्रिएट न्यू वर्ल्ड एंड देन उसमें आप क्रिएटिव सर्वाइवल जो करना है कर लो, और फिर एट दी एंड आपको जो क्रिएट का ऑप्शन है उसके नीचे स्क्रॉल करना है, रिसोर्स या बिहेवियर पैक में आपको ये हैप्टिक शेडर को एक्टिवेट करना है। आप किसी भी पैक में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड देन वर्ल्ड को क्रिएट करना है एंड उसके बाद वेट एंड वॉच। Thank you.
और ये आप पहुंच गए अपनी माइनक्राफ्ट की खूबसूरत दुनिया में विथ शेडर्स। तो ये शेडर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और अगर आपको ये शेडर अच्छा लगा और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को शेयर भी कर दो।